हेलो गाइज, इस वीडियो से हम सीखेंगे भारत बेंच BS6 गाड़ी का फोल्ड कोड चेक करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में इन दोनों स्विच के विषय में बताया, तो इस दोनों स्विच में चार फंडामेंटल खींच दी हुई है। जो पहला है मेन्यू बार, बैक स्पेस, एडजस्टमेंट और इंटर। आप इसे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ सारी मेन्यू बार आपको ओपन आने लगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है गाड़ी में आप देख रहे हो। तो मुझे फोल्ड कोड चेक करना है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आवर्स में, तो आवर्स में एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, अलार्म में एडजस्टमेंट सेट कर सकते हो टाइम में भी। अब ये ABS में फोल्ड कोड चेक किया जाता है। ABS जैसे हमारा आया, यहाँ पर मैंने इंटर कीज को प्रेस करूँगा तो ये बता रहे हैं ABS में कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। मैंने दूसरा चेक करता हूँ, ACM में जैसे इंटर की को चेक करूँगा तो इसमें बता रहा है कई सारा फोल्ड है, 210, 805, 16100, इसी तरह की E104 कई फोल्ड कोड इसमें दिख रहा है। अब मैं दूसरा चेक कर लेता हूँ, CPC में कोई सा भी फोल्ड कोड नहीं है दोस्तों, इंस्ट्रक्शन में इसमें भी कोई सा फोल्ड कोड नहीं है, MCM में इसमें भी कोई सा भी फोल्ड कोड नहीं है। तो इस तरह से हम गाड़ी का फोल्ड कोड चेक कर सकते हैं और फोल्ड कोड के माध्यम से हम पकड़ सकते हैं कि गाड़ी में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि AdBlue का फोल्ड कोड आ रहा था, ये हमारा जो ACM में फोल्ड कोड आ रहा है 16100 AdBlue पंप का है। तो इस कोड के माध्यम से हम उस चीज़ को बारीकी से ठीक कर सकते हैं।